तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि CITS के लिए जो है तो डेट फरवरी में के लिए घोषित कर दिया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फीस की लिंक 16/1 से 29/1 के बीच में किया जाएगा। मैपिंग जो है तो 30/1/2023 से 5/2/2023 तक किया जाएगा और हाल टिकट जो है तो 6/2 से 8/2 के बीच में होगा। डाउनलोड जो है तो हाल टिकट का चालू हो जाएगा ये 8 फरवरी से हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रैक्टिकल जो है तो आपको 20/2/2023 को है। टेट प्रैक्टिकल जो है तो आपका 21/2 से लेकर 22/2 के बीच में है। ट्रेनिंग वाला जो इनका प्रैक्टिकल होता है वो 23/2 से 24 के बीच में है। CBT ऑनलाइन मोड इनका जो है तो 25/2 से लेकर 28 फरवरी तक है। और बाकी डेटा जो अपलोड करना है प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऑनलाइन निम्मी के द्वारा वो 20/2 को हो जाएगा, मतलब हमारे मार्च में। तो कितना टाइम ले रहे हैं ये चीज़ देखना होगा कि आपको डेटा अपलोड करने के लिए, कॉपी चेक करने के लिए 28 से 20 दिन का, मतलब माने अच्छा खासा टाइम ले रहे हैं, 20-22 दिन टाइम ले रहे हैं। इसके बाद जो है तो रिजल्ट निकालने के लिए 27 तारीख को, मतलब माने 7 दिन का लगभग ले रहे हैं। तो ये अगर देखा जाए तो हर एक में इन्होंने एक महीने का अपना पूरा टारगेट परीक्षा हो जाने के बाद में रखा है, तो वो चीज़ें कर रहे हैं। मैं इनकी मजबूरी भी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ें देखने के लिए अभी लालायित हूँ कि 21 तारीख को जो ITI वालों का ED और प्रैक्टिकल का रिजल्ट आएगा वो कैसा रिजल्ट रहेगा और क्या सारी चीज़ें अब सही हो जाएंगी या नहीं होंगी, इस पे विचार किया जा सकता है, इस पे बोला जा सकता है। अब 21 तारीख का मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। एक तो 20 तारीख का मैं एडमिशन के लेकर के इंतज़ार कर रहा हूँ, 21 को जो है तो ये रिजल्ट लेकर के कि कैसे रिजल्ट आता है कैसे रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, धन्यवाद। हरियाणा राज्य परिवहन हिसार में ITI पास छात्रों के लिए 2023 को लेकर के कुछ विज्ञप्ति निकाली गई है, उसको जो है तो आप लोग देख लीजिए कि क्या है। हरियाणा रोडवेज हिसार भर्ती के लिए लास्ट तारीख जो है तो 22 जनवरी 2023 रखी गई। पदों का विवरण इस प्रकार है, टर्न में 2, कारपेंटर में 9, वेल्डर में 9, पेंटर में 2, इलेक्ट्रीशियन में 12, मोटर मैकेनिक में 24, मैकेनिकल डीजल में 30 और कोपा में 2 और स्टेनो में 3 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता, हरियाणा हिसार रोडवेज भर्ती के लिए 10वीं पास उम्मीदवारों को आवेदन कर सकते हैं जिनके पास संबंधित ट्रेड में ITI क्वालिफाई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आयु सीमा जो है तो हरियाणा रोडवेज में ITI अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फार्म के लिए उम्मीदवारों की आयु जो है तो 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सैलरी ITI अप्रेंटिस भर्ती चयन एक्ट 1961 के अनुसार 7,750 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज जो हैं तो आपके पहचान पत्र, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र होगा। चयन की प्रक्रिया आप जानते हो आप लोग कि आपको ITI अप्रेंटिसशिप भर्ती 2023 के पोर्टल पर जाना होगा। वहाँ पर आप पोर्टल पर टाइप करेंगे, होम पेज पर ही लॉगिन और रजिस्टर पर जाएं। पहले रजिस्ट्रेशन अगर आपका है तो ठीक है, नहीं तो आपको साइन करना पड़ेगा। ITI अप्रेंटिस हिसार ऑनलाइन वाला जो है तो फार्म को भरिए, सभी महत्वपूर्ण जानकारी दें, सभी जरूरी जो है तो दस्तावेज अपलोड करें, सभी जानकारी को अच्छे से चेक करें, लास्ट में सबमिट करते समय फार्म का प्रिंट आउट जरूर ले लें। अब चलते हैं दूसरी भर्ती, ये बहुत बड़ी न्यूज है। छत्तीसगढ़ ITI जॉब वैकेंसी, छत्तीसगढ़ में आरक्षण के विवाद में चलते सरकारी नौकरियों में भर्ती अटकी हुई है। व्यापम और PSC के द्वारा ली गई परीक्षाओं का रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया है। इससे राज्य में बेरोजगार युवा परेशान है, लेकिन राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती सीधे राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है, जो बहुत अच्छी बात है। ITI में सरकारी नौकरी के दरवाजे खुले। दरअसल मंगलवार को राज्य सरकार की तरफ से ITI छात्रों को अधिकारियों के 400 पद की सीधी भर्ती की अनुमति दी गई है। बताया जा रहा है कि जल्दी ही इस भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दी जाएगी, इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षणियों के अधिकारियों का खाली पद भरने के लिए पहले चरण में 400 पदों की सीधी भर्ती निकाली जाएगी। अब तक इसके लिए तारीख तय नहीं हुआ है, इससे भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा।
400 पदों के लिए होगी सीधी भर्ती। राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा युवाओं के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण अधिकारियों के खाली पद भरने के लिए पहले से 400 पदों को सीधे भर्ती अनुमति दी गई है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार कौशल विकास तकनीकी शिक्षा रोजगार विभाग द्वारा मंगलवार को संचालक रोजगार और प्रशिक्षण को इन पदों पर सीधी भर्ती की सहमति दी गई है। दूसरे चरण में प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती होगी। गौरतलब है कि प्रदेश के आईटीआई में नियमित प्रशिक्षणों की अधिकारियों की कमी है, इसके चलते छात्रों की पढ़ाई जो है तो प्रभावित हो रही है। हर साल आईटीआई में गेस्ट प्रशिक्षण अधिकारियों को बुला करके पढ़ाई पूरा कराया जा रहा है, लेकिन अब तक प्रशिक्षणों की भर्ती नहीं की जा रही है। तो छात्र को अब परमानेंट टीचर मिल जाएंगे, वह भी यह भी बताया गया है, ये तो पहले चरण का है, इसके बाद दूसरे चरण की भर्ती होगी। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर आईटीआई टूल्स कंपनी न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक आईटीआई के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों आईटीआई में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी आईटीआई खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ, उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए नर्सिंग कॉलेज ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें, दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।